अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम। आज मिशा की तरह मैं आपके लिए लाया हूँ एक और अपडेट है जॉब के मतलब का। पंजाब पुलिस में जॉब्स हैं तकरीबन 2000 पोस्टें हैं। ये पोस्ट वैकेंसियाँ कितनी इसके लिए कर, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपका स्केल कौन सा होगा, ये तमाम तफसील मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके लिए आपने देखना है इस वीडियो को एंड तक, और उसके बाद अप्लाई इसके लिए कैसे करना है, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट कौन सी है, ये सब आपको तमाम तफसील अभी इस वीडियो में बताई जाएगी। ये जॉब जो आई है वो मैं आपको बताता चलूँ। बेसिकली वायरलेस ऑपरेटर की, लेडी कांस्टेबल की, कांस्टेबल की और ड्राइवर कांस्टेबल की। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहले मैं आपको बताऊँगा वो इश्तहार भराए भर्ती कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान बतौर वायरलेस ऑपरेटर पंजाब पुलिस के जो डिपार्टमेंट है टेलीकम्यूनिकेशन, उसमें टेलीकम्यूनिकेशन में जो आपके लिए इसमें जॉब्स आई हैं वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। जो आपका एहलियत बराए सिविल उम्मीदवार है वो आपकी जो उम्र है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपके 22 साल होनी चाहिए। कद आपका जो है वो मर्द उम्मीदवारान के लिए कम अज़ कम 5.7 और फीमेल्स के लिए 5.2, और उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस में होना चाहिए किसी भी मंजूरशुदा बोर्ड से, या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बमा 50% नंबर, और उसके बाद आपकी ये जो दौड़ होगी वो मर्द हजरात हैं उनके लिए होगी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको तय करना होगा, खवातीन के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना होगा। उसके बाद इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपने जाना है पंजाब पुलिस .gov.pk वेबसाइट पर, जहाँ पर आपने इसके लिए जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है और आपने मुकम्मल उधर ही उसके बाद आपने अप्लाई करना है। आपको तमाम उसमें जो डिटेल ज़रूरी होंगे वो वहाँ पर भी मिल जाएंगी। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता चलूँ जो जॉब्स हैं इश्तहार बराए भर्ती कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान। पहले जो मैंने आपको बताया था वो पंजाब पुलिस का जो डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन था उसमें, अब सिर्फ पंजाब पुलिस में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो आपका एहलियत बराए सिविल उम्मीदवार है उसके लिए भी आपकी जो उम्र है वो 18 कम अज़ कम 22 से ज़्यादा आपकी जो तालीम है वो मंजूर शुदा किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपकी जो नंबर्स हैं वो कम अज़ कम 50% होने चाहिए, और उसके बाद आपने इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए पंजाब पुलिस .gov.pk वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर जाकर आप अपना इसके लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, और उसके बाद आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म माँ तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी इसनाद, उसके बाद मैं ये जो ज़रूरी डिटेल एंड पर आपको बताता हूँ, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ। नेक्स्ट जो आपकी इसके बाद फिर जो जॉब्स हैं वो उसके लिए जो डिटेल्स हैं वो है इश्तहार बराए भर्ती ड्राइवर कांस्टेबलान स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि SPU जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसमें जो आपके लिए इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके लिए आपकी जो उम्र है वो मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम 30 साल है, और उसके बाद आपकी जो तालीम है किसी भी मंजूरशुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, और जो दौड़ आपकी है बराए उम्मीदवारान 1.6 किलोमीटर आपके इसके ये दौड़ है, क्योंकि ये सारे मेल ही होंगे तो इसके लिए आपकी जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर आपने 7 मिनट में तय करना। तजर्बा इसमें आपके पास कम अज़ कम 2 साल का लाजमी होना चाहिए, LTV का आपके पास कम अज़ कम 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उम्मीदवार का ड्राइविंग टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट और हाईवे कोड टेस्ट भी लिया जाएगा, ये आपके लिए इतनी आपको काबिलियत तो होना ज़रूरी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ इन तमाम जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया, पंजाब पुलिस .gov.pk वेबसाइट पर आपने जाना है। दरख्वास्त फॉर्म माँ तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी इसनाद ज़रूरी कागजात और मुबल्लक 25 रुपये फॉर्म फीस दफ्तर SSP मोटर ट्रांसपोर्ट पंजाब लाहौर में मौरखा 17/12/2020 ता 3/1/2021 तक जमा करवाए जा सकते हैं। भर्ती शेड्यूल के मुताबिक मालूम दफ्तर SSP मोटर ट्रांसपोर्ट पंजाब लाहौर से हासिल की जा सकती हैं, ये तमाम तफसील आपको फिर भी उधर से दी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी आम इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। इसके बाद इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन से लिंक पर क्लिक करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया, आप उस लिंक पर क्लिक करें और आपको जो मुतलका जो रेलिवेंट मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके लिए मैं जब तक कोई नई अपडेट लेकर नहीं आता तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।